साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा है। साध्वी प्रज्ञा की चुनावी मैदान में आते ही विवादों का पिटारा खुल गया। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हेमंत को श्राप दिया था। हालांकि जब इस बयान को लेकर विवाद मचा तो साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली थी। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। हमारे देश में अपने घर की लड़ाई है। अगर अपने घर की लड़ाई में मैंने जिसने हमें प्रताड़ित किया हमने वो कहा है तो हमारा भाव गलत हो ही नहीं सकता। परंतु अगर हमारे इस बयान से दुश्मनों को बल मिल रहा है तो मैं बिल्कुल इस बात को कहती हूँ कि हम दुश्मनों का बल नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे घर के अंदर का मामला है। अगर किसी ने हमें प्रताड़ित किया हमने उसको कह दिया है तो बिल्कुल वो हमारा बयान होना चाहिए। परंतु हमारे देश के दुश्मनों को अगर इससे बल मिलता है तो मैं अपना वो बयान वापस लेती हूँ। यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा पर तो भड़काऊ भाषण देने को लेकर चुनाव आयोग ने उन पर 72 घंटे की पाबंदी तक लगा दी। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा भजन कीर्तन में जुट गई। अब साध्वी प्रज्ञा एक नए विवाद में फंस गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीजेपी की सरकार बनने पर गोवा, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में पूरी तरह से गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का दावा किया है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के हवाले से इस पोस्ट में आगे जो बात कही गई है वो तो बेहद आपत्तिजनक है। पोस्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की कैंसर से मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने गोवा में गोमांस का सेवन करने की अनुमति दी थी और उन्होंने गाय का सम्मान नहीं किया था। फेसबुक पर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज टुडे चैनल समेत तमाम लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है। ट्विटर पर भी ये पोस्ट वायरल हो रही है। तो क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वाकई कोई ऐसा बयान दिया है? क्या वाकई उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में ऐसी विवादित टिप्पणी की है? हमारे लिए ये हकीकत जाननी बहुत जरूरी थी, लिहाजा हमने प्रज्ञा ठाकुर के हवाले से आ रही इस वायरल खबर की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में हमें इंडिया स्कूप्स नाम की एक वेबसाइट मिली जिस पर 26 अप्रैल को एक लेख छपा था। इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तस्वीर लगी थी। इस लेख में साध्वी प्रज्ञा के हवाले से कहा गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो गोवा, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में पूरी तरह से गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस लेख के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान मध्य प्रदेश के सीहोर में दिया था। ये बयान साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया या सार्वजनिक सभा में नहीं बल्कि कुछ अनुयायियों के सामने दिया था। हमने इंटरनेट को पूरी तरह से खंगाला, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के इस बयान का जिक्र हमें किसी भी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट में नहीं मिला। अगर साध्वी ने सार्वजनिक रूप से इस तरह का कोई विवादित बयान दिया होता तो वो मीडिया में जरूर आता और विपक्ष उसे मुद्दा जरूर बना लेता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने इस बारे में जानने के लिए साध्वी प्रज्ञा की बहन उपमा सिंह से संपर्क किया। उपमा ने हमें बताया कि यह बयान एकदम झूठा है और साध्वी प्रज्ञा ने कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया। इसके साथ ही वायरल टेस्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह के ठाकुर से जुड़ी ये खबर फेल हो गई। अर्जुन डिडोरिया, वायरल टेस्ट टीम,